आदाब नाजरीन, आईए एनडी टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। कारवान के मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज सेक्रेटरी नुमाइश सोसाइटी रंगारेड्डी से मुलाकात की। उन्होंने कुल्ली सनअती नुमाइश में 28 फरवरी तक तौसी की ख्वाहिश की और बताया कि वह कमिश्नर पुलिस रंजनी कुमार से भी इस जुम्मन में नुमाइंदगी कर चुके हैं। 30 जनवरी को लगी आग के बाद सनअती नुमाइश 4 दिन बंद रही और नुमाइश आने वालों की एक बड़ी तादाद इस साल नुमाइश से महजूज नहीं हो सकी। उन्होंने बताया कि स्टॉल होल्डरों को भी नुमाइश बंद रहने की वजह से काफ़ी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। इस मौके पर साबिक कारपेंटर जाकिर बाखरी और दूसरे भी मौजूद थे। रिप्रेजेंटेशन थे थोड़े लोगों का 35,000 45,000 इक्वल करके सबको एक सिस्टम से इक्वल करके पेमेंट होना पड़ता है। वो लोगों से रिक्वेस्ट आया स्टॉल होल्डर से, साहब वो हमारे पूरी एक पेशी करें उसको ज़रूर हम देखेंगे। हमारे एक कल मीटिंग हुई वो मीटिंग में फाइनल करने का है। और एक बात है, हम 24 तक एक्सटेंड कर बोल के पुलिस एंड फायर GHMC RNB रिपोर्ट दिए, रिक्वेस्ट करें उसका भी हम लोग बोल दिए। कितने लोग हैं समय से 35,000 40,000 थोड़े लोग हैं ऐसा वो लोगों का डिफरेंसेस है थोड़ा, वो भी ज़रा देखे एक बार एग्जामिनेट एंड विल डू इट जस्टिफिकेशन हुआ। गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट भी जाना था वो तैयार है? गवर्नमेंट को पूछा, मेरे पास तो नहीं अब तक, वो लोग नहीं करे अभी, इसी अंडर कलेक्टर के पास है वो। थैंक यू। नुमाइंदगी पर उनकी हिदायत पर मैं आज एग्जीबिशन सोसाइटी के सेक्रेटरी रंगारेड्डी साहब से और उनके तमाम MC के मेंबर से मुलाकात की गई और जिसके अंदर सबका में जो आज से 20 दिन पहले या 15 दिन पहले जो हादसा हुआ था और इस हादसे के बाद मुकम्मल यहाँ के जो स्टॉल्स के जिसका लाश हुआ जो नुकसान लोग हैं वो सदर मोहतरम के पास आकर अपने तफसीलात बताए, जिसके बाद सदर मोहतरम ने आज यहाँ पर मुझको सोसाइटी के मेंबर से मुलाकात करने के लिए बताया, हमारे रंगारेड्डी साहब से तफसीलात बताया, जिसके बाद जिसको 17,000 या 20,000 जिसको दिया गया एक राउंड फिगर बताया और उन्होंने तयखुन दिया कि आज शाम में या नहीं कल शाम तक इस मीटिंग में हमारी जो बॉडी की मीटिंग है इस मीटिंग के अंदर हम इन तमाम चीज़ों को रखकर और अप्रूवल करेंगे और जिसका भी नुकसान हुआ उन तमाम को करीब करीब एक 15 से 17 लोग हैं जिसको 15,000 या 17,000 दिया गया था और वो तफसीलात हम एक राउंड फिगर बता दिए और इंशाल्लाह हमारे रंगारेड्डी साहब भी वो मुझको तयखुन दिए कि मैं इंशाल्लाह कल ये कमां जो आप जो बता रहे मसाइल उन तमाम कामों के ऊपर हमें अप्रूवल करेंगे और बॉडी के मेंबर्स को तफसीलात रखकर और जिसका भी नुकसान हुआ आप इत्मीनान से रहिए क्योंकि आपने सदर मोहतरम के पास रुजू हुए थे, सदर मोहतरम ने मुझको भेजा और यहाँ के सोसाइटी के ज़िम्मेदार तयखुन दिए कि हम इंशाल्लाह कल शाम तक इसको अप्रूवल करा दें और सोसाइटी की जानिब से पुलिस कमिश्नर साहब को जो 24 तारीख तक दिए थे एक्सटेंड करने के लिए और वो कमिश्नर साहब के पास पेंडिंग है, मैं अभी कमिश्नर साहब के पास सदर मोहतरम की हिदायत पर जा रहा हूँ और 25 तारीख तक एक्शन करने के लिए जमात की तरफ से पूरा इंशाल्लाह पूरी कोशिश करके 25 तारीख तक एक्शन करने की पूरी कोशिश की जाएगी और यहाँ के जो भी ज़िम्मेदार हैं उन तमाम से भी मैं अपील कर रहा हूँ कि आप इन तमाम जो भी बताए हुए उन तमाम के ऊपर एक्शन लें और जल्द से जल्द कल शाम तक इनको अप्रूव कर परसों से जिसका भी नुकसान है जिसके भी चेक से वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैं अपील करता हूँ हमारे रंगारेड्डी साहब से और मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ। शुक्रिया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें।